अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हूँ बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। सो आप ये जो ड्रेस देख रहे हैं ये नाइमा की डांस की है। सो मैं ट्राई करके देख रही थी, सो नाइमा को काफ़ी अच्छी आ गई है। उसके बाद नाइमा का स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो आज मॉर्निंग में उन लोग की रिहर्सल है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सुबह 7:45 में लेके आई हूँ नाइमा को, यहाँ रिहर्सल होगी और साथ ही साथ हम लोग ने सोचे घर चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। मैम ने बोली कि रिहर्सल होने के बाद आप तुरंत अपने बेबीज को घर ले जा सकते हैं, तो मैं वैसे ही बस रुक गई हूँ, नाइमा की रिहर्सल देखना है। इतने सारे बच्चे ऐसे देख के एक साथ, एकदम वो लग रहा है कि इतने सारे, इतना मजा आ रहा था। एनीवेज मैं नाइमा को छोड़ने आई थी स्कूल 7:45 में, क्योंकि आज एनुअल डे है तो फाइनल रिहर्सल है। इतना ज़्यादा इन लोग 3 से 4 मंथ से इन लोग की रिहर्सल करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आते हैं सर वगैरह को जो बुलाते हैं इन लोग, तो उसमें एक भी कमी नहीं होना चाहिए डांस में। इस तरीके से रिहर्सल और काफ़ी खूबसूरती तरीके से मनाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में होता है ना कि स्टेज शो होते हैं, सेम वैसे ही स्टेज शो होता है यहाँ पर। सो नाइमा के लिए आई थी और मैं घर जा रही थी, क्योंकि मैं चाय भी पी के नहीं, सिर्फ ब्रश करके आई हुई थी। तो मैम ने बोली नो, पहला ही है इनका रिहर्सल होगा और आप साथ में ले जा लीजिए। तो फिर मैं यहीं रुक गई थी और ये देखिए अब मैं जा रही हूँ जहाँ पर स्टेज, मैं आपको दिखाती हूँ नाइमा का स्कूल। सो नाइमा की क्लास के बाद वहाँ से निकल के और अब मैं जा रही हूँ इस तरीके से स्टेज जहाँ पर बना है। सो यहाँ से है मेन गेट, मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके ऑफिस वगैरह है या पूरी क्लासेस में जाना है या कोई भी चीज़ करना है। इस तरीके से यहाँ पर एक आंटी है, बैठी रहती हैं, जो कि नाम और नंबर वगैरह लिखती हूँ, उन्हीं की परमिशन फिर अंदर जाते हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से है और नाइट में देखेंगे काफ़ी खूबसूरती से लाइटिंग से सजाए हैं। जो आप ट्री देख रहे हैं मैं दिखा रही हूँ, इसमें सब कुछ लाइटिंग लगी। मैं नाइट में भी आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से ये जो है एनुअल डे सेलिब्रेशन जो सर है ये आने वाले हैं इसमें। सो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छे से पूरा रेडी कर दिया। वैसे भी क्रिसमस आने वाला है तो इन लोगों को वैसे भी रेडी करना था, और इस तरीके से इतने खूबसूरती से सजाए हैं और बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये जो इस तरीके से इन लोग शो करते हैं, फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, ये शायद ही ज़्यादा कहीं पर होता होगा। एकदम बहुत ज़बरदस्त, एकदम फिल्मों में जिस तरीके से फिल्मों की रियल लाइफ में जो स्टेज शो होते हैं उन लोग के, और वो वैसे ही मनाते हैं। जो सामने आप देख रहे हैं ऐसे ब्राउन जो दिख रहा है वो स्क्रीन है, उसमें स्कूल वगैरह के नाम वगैरह और जो भी चलता रहेगा। ये देखिए ये सब लाइटिंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, नाइट में सब जलेंगी, बहुत खूबसूरत लगने वाला है यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि मैं जा रही थी रिहर्सल देखने, साथ ही साथ आप लोग को भी ले चलती हूँ दिखाने। तो ये पूरी स्क्रीन है, इसमें चलेगा पलौटी स्कूल का नाम और जो भी, और देखिए अंदर कितना खूबसूरत डेकोरेशन की, वाओ सो नाइस। सो जब नाइट में आएंगे और जब ये लाइटिंग से भरा होगा तो बताइए कितना खूबसूरत लगेगा, और ये सारी कुछ लाइटिंग है इसमें। तो डे का टाइम, सुबह का टाइम है अभी, फिर भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसके आगे नाइमा जब नर्सरी पढ़ती थी तब मैं जाती थी, इसके आगे नाइमा का स्कूल था जब छोटी थी, वो फर्स्ट में आ गई तो इधर बाहर हो गया। सो यहाँ से अब गेट था, अब ये इंटर कर रही हूँ मैं, और काफ़ी सारी लाइटिंग वगैरह, और देखिए कितनी खूबसूरत, ये इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऑरेंज येलो और ग्रीन कलर की जो लहरियाँ इस तरीके से की, इतना देखने में भी बड़ा सुंदर सा। और देखिए इस तरीके स्ट्री करके और पांडा को प्रयोग कर दिए, बहुत सुंदर। साइकिल रखे हैं इतनी खूबसूरती से, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। इन लोग ने कोई कमी नहीं करी खूबसूरती में, कि इतना सा भी कोई किसी चीज़ में वो नहीं कर सकते। इतना प्यारा गेट को डेकोरेशन किए हैं बहुत। अब मैं चलती हूँ अंदर, सो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। छोटे छोटे बेबीज खड़े हैं,
से हेलो यूट्यूब में जाएगा ये, ठीक है, व्लॉग है ये। जो बच्चे देखे आप लोग ने, तो ये क्या है, जब सर आएंगे तो इन लोग वेलकम करने के लिए से यहाँ पर खड़े होकर डांस करेंगे, इसलिए यहाँ पर बच्चे थे। सो इतना अच्छा लग रहा था, पूरा खाली था, मॉर्निंग का टाइम था और सारी चेयर में ओस लग गई थी कि बैठ भी नहीं सकते, सब गीली थी। बहुत, और इतनी सारी चेयर और इतना बड़ा ग्राउंड देख के एक अलग ही फील हो रहा था और खाली, क्योंकि ऐसे तो आना नहीं होता। ये हम लोग को अब नायमा को लेके जाना रिहर्सल के बाद, इस वजह से हम लोग को भी ये देखने को मिला, नहीं तो सीधे नाइट में ही आना होता हमारा। मैं आपको दिखाती हूँ जाके स्टेज किस तरीके से इन लोग ने डेकोरेट किए हैं, इतना प्यारा किए हैं उसको भी। सारी मैम लोग इतनी मेहनत कर रही हैं, बच्चे 2-3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है, मैम लोग इतना ध्यान दे रही सारी चीज़ का। और ये देखिए यहाँ पर पूरा डीजे सिस्टम है, काफ़ी अच्छे से इन लोग पूरा अरेंज करते हैं कि कोई कमी नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा डीजे सिस्टम है। तो इससे पहले आप देख रहे हैं, एक दिन पहले यहाँ पर बड़े बच्चों का 6 to 12 तक का शो हो चुका है, क्योंकि एक हट्टे काफ़ी सारे हो जाते। पिछले बार इतना रस हो गया था कि बहुत भीड़ हो गई थी और उतना मज़ा नहीं आता ज़्यादा भीड़ होने से। फिर तो इन लोग ने इस बार डिवाइड कर दिए हैं, इस बार 1 to 5 तक किए हैं और 6 to 12 तक, तो 6 to 12 तक हो चुका है और आज है 1 to 5 क्लास तक का। नायमा का पहला ही परफॉर्मेंस है तो जल्दी हो जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से ये सर जो आएंगे और टीचर और जो भी गेस्ट को बुलाए हैं उन लोग के लिए से है। और ये देखिए स्टेज है, जो कि आप वाइट जो कपड़ा देख रहे हैं वो स्क्रीन है, ओस पानी वगैरह ना गिरे इसलिए उसमें लगा दिए हैं कपड़ा वाइट कलर का, क्योंकि वो है बड़ी सी स्क्रीन। मैंने आप लोग को बताया था ना कि एकदम स्टेज शो की तरह होता है, जैसे फिल्मों में होते हैं ना वैसा ही मनाते हैं और वैसे ही फील आता है। और फिर इन लोग टीवी भी बड़ी बड़ी स्क्रीन की थोड़े दूर दूर पे लगाते हैं कि काफ़ी लोग हैं जिसको स्टेज वगैरह ना दिखे तो उससे इजी पड़े। तो ये देखिए इतनी सारी चेयर वगैरह इस तरीके से, और ये पूरा स्टेज को डेकोरेट किए हैं। मैं आप लोग को आगे बताऊँगी कि मैं जब तक नायमा का परफॉर्मेंस होता है तब तक रुकूंगी और कौन कौन सी चीज़ें हो रही उसके आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए ये सोफे रखे गए हैं, जो मेन गेस्ट हैं आएंगे यहाँ पर उन लोग के लिए से, और सर वगैरह और जो भी रहते हैं ना उनका अलग ही वो रहता है, उस तरीके से उन लोग को किए हैं काफ़ी अच्छे से। और ये देखिए सफाई चल रही है और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कल परफॉर्मेंस हुई है 5, 6 to 12 की, तो उसके हिसाब से इन लोग अभी सब ठीक कर रहे हैं। और फिर आज रहेगी नाइट में इन लोग की 1 to 5 की। बहुत ज़्यादा 1 to 5 में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, क्योंकि सभी लोग के बच्चे दोनों क्लास में पढ़ते हैं, जिसके भी जैसे दो हैं तो दोनों यहीं पढ़ते हैं, तो काफ़ी भीड़ रहेगी। मैं आप लोग को दिखाते रहूँगी, आप लोग इसके आगे का वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को ये पूरा एनुअल डे का सेलिब्रेशन देखने में। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।